दोस्तों, यदि आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपकी चॉइस एक SUV है तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको जनवरी फरवरी में लॉन्च होने वाली SUVs के बारे में बताने वाले हैं। साल 2020 में कई सारी नई SUVs को लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उनका जो लॉन्च था उसको डिले करना पड़ा। तो कौन कौन सी हैं वो SUVs, क्या उनकी इंजन स्पेसिफिकेशंस है, क्या उनकी प्राइस रहने वाली है, कौन से उसमें फीचर्स मिलेंगे, आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और OKCar247 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली गाड़ी से, जो कि जनवरी के महीने में लॉन्च होगी, टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर के फेसली वेरिएंट को 6 जनवरी 2021 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये एक फुल साइज 7 सीटर SUV है जिसमें कई सारे नए कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। इंटीरियर में भी एक्सटीरियर में भी बहुत सारे आपको कई नए फीचर देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन देखने को मिल जाएंगे। 2.7 लीटर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 166 PS की पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगा जो 204 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। पुरानी वाली फॉर्च्यूनर जो थी उसमें आपको 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन तो मिलता था, लेकिन वो कम पावर और कम टॉर्क जनरेट करता था। नई वाली जो फॉर्च्यूनर आएगी इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक तो फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल और फॉर्च्यूनर लीजेंडर। टोयोटा फॉर्च्यूनर के डिज़ाइन में काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों को फ्रंट और बैक से काफ़ी चेंज किया गया है। कई सारे नए कॉस्मेटिक अपडेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। नई LED हेडलैम्प मिलेंगी, नया बम्पर डिज़ाइन है। रियर में इसमें आपको LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर के बेस वेरिएंट में आपको 18 इंच के व्हील और टॉप मॉडल में 20 इंच के व्हील देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको लार्जर टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें 9 इंच की और जो बेस वेरिएंट है उसमें 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरी गाड़ी जो जनवरी में लॉन्च होगी वो है MG Hector। MG Hector के दो वेरिएंट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे हैं, एक तो MG Hector, दूसरा MG Hector Plus। अभी MG Hector का 7 सीटर वेरिएंट है जिसको 7 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसमें नए लुक और नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो फ्रंट ग्रिल है उसको चेंज कर दिया गया है और जो क्रोम स्टड पैटर्न है उसको भी चेंज किया गया है। इसमें नए 5 स्ट्रोक के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। MG Hector के 7 सीटर वेरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो MG Hector के इस वेरिएंट में आपको डुअल टोन केबिन देखने को मिलेगा ब्लैक और बेज में। बाकी इसके जो इंटीरियर है उसमें कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो MG Hector और MG Hector Plus हैं इसी का ही 7 सीटर वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है बिना किसी खास बदलाव के। बस थोड़े से एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन 141 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। डीजल इंजन की पावर की बात करें तो 168 BHP की पावर जनरेट करेगा और 550 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। गाड़ी की कीमत का खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया है, लेकिन लगभग इसकी कीमत 17-25 लाख रुपये हो सकती है। अगली गाड़ी है जीप कंपास फेसलिफ्ट। इसको भी जनवरी के पहले हफ्ते में ही लॉन्च किया जाना है। फिलहाल जो मार्केट में जीप कंपास बिक रही है उसके मुकाबले इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नई डिज़ाइन की ग्रिल मिल जाएगी, नए डिज़ाइन के हेडलैम्प और बम्पर देखने को मिलेंगे, साथ ही फॉग लैम्प भी बदले हुए हैं जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से काफ़ी चेंज लुक देते हैं जीप कंपास के मुकाबले, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी फाइनल आने के बाद। जो आप इमेजेस देख रहे हैं ऐसी ही दिखने वाली है नई वाली जीप कंपास। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा और 2 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन मिल जाएगा। जीप कंपास फेसलिफ्ट को 3 गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा जो कि 6-स्पीड मैनुअल जो कि स्टैंडर्ड है, 7-स्पीड DCT जो केवल आपको पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। इसके अलावा 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो कि आपको केवल डीजल वेरिएंट के साथ मिलेगा। जीप कंपास के फेसलिफ्ट वेरिएंट की बात करें तो इसकी प्राइस तकरीबन 20 लाख रुपए से शुरू होकर के 25 लाख रुपए तक हो सकती है। एग्जैक्ट प्राइस का पता आपको लॉन्च के दिन ही चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली गाड़ी की जिसको 26 जनवरी को भारत में दिखाया जाएगा। इस गाड़ी का नाम है टाटा ग्रेविटास।
ये टाटा हैरियर का ही 7-सीटर वर्जन है जिसको ग्रेविटास के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे ये हैरियर से थोड़ी अलग दिखेगी। इसको रियर साइड से देखने पर ये बिल्कुल भी हैरियर की तरह नहीं लगती है, लेकिन फ्रंट साइड से देखने पर ये बिल्कुल हैरियर की जैसी ही दिखती है। ये उसका 7-सीटर वेरियंट है। टाटा ग्रेविटास के फीचर्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर फीचर्स आपको हैरियर जैसे ही मिल सकते हैं। इस एसयूवी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल, डुअल टोन डैशबोर्ड, क्रूज कंट्रोल्स, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। नई टाटा ग्रेविटास के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हैरियर की तरह ही 2 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा जिसकी पावर 168 bhp और टॉर्क 350 Nm होगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। टाटा ग्रेविटास की कीमत की बात करें तो इस एसयूवी को टाटा लगभग 16 लाख रुपए में लॉन्च करेगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको लॉन्च के दिन ही पता चलेगी। अगली गाड़ी है फोर्स कुरखा, जिसको अनवील किया जाएगा जनवरी के एंड में। हालांकि इस गाड़ी को जुलाई में लॉन्च किया जाना था, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक के चलते इसको लॉन्च नहीं किया गया। अब लॉन्च को टाल दिया गया। अब ये जनवरी में लॉन्च की जाएगी भारत में। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये गाड़ी पहले भी आती थी, लेकिन अब इस गाड़ी का लुक और स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब इसको एक ऑफ रोडर एसयूवी के तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले इसको ऑटो एक्सपो में देखा गया था। ये गाड़ी फर्स्ट इंप्रेशन में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अब मार्केट में आने के बाद देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। जबकि इसकी टक्कर में पहले से ही महिंद्रा थार मार्केट में बिक रही है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आने वाले साल में मारुति भी जिम्नी को लॉन्च कर सकती है। फोर्स गोरखा की बात करें तो इसमें आपको 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। ये इंजन लगभग 90 PS की पावर जनरेट करेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो ऑल ओवर ऑफ रोड एसयूवी के जैसा ही रखा गया है। पहले वाली फोर्स कुरखा के मुकाबले इसमें कई सारे नए कॉस्मेटिक चेंज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नई LED हेडलाइट, रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर, ऐसे ही रियर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 16-इंच के बेल देखने को मिल रहे हैं, हालांकि थार में 18-इंच के आते हैं। बात करें इसकी प्राइजेस की तो इसकी प्राइस लगभग 9.5 लाख रुपये से शुरू होकर के 13 लाख रुपये तक हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली गाड़ी की, महिंद्रा TUV 300। ये एक 7-सीटर SUV है जिसको पिछले साल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। और इस गाड़ी में आपको कई सारे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसकी ग्रिल में, बम्पर में और रियर साइड में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी ऑफिशियल डिटेल सामने अभी नहीं आई है। कई बार इसके स्पाय पिक्चर निकल करके सामने आए हैं। इसको टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, उससे पता चलता है कि इसके एक्सटीरियर में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस एसयूवी की इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा जो 100 PS की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, जो कि 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा। इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल AC मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा, 7-इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EVD, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। TUV 300 को लगभग 9 लाख रुपए एक्सशोरूम प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत तकरीबन 13.5 लाख रुपए तक जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सातवीं गाड़ी की, जो है सिट्रियन C5 एयरक्रॉस। ये गाड़ी 1 फरवरी को भारत में रिवील होगी। ये एक मिड साइज SUV सेगमेंट की गाड़ी है। इस सेगमेंट की काफ़ी डिमांड रहती है भारत में, लेकिन क्या नए ब्रांड को भारतीय अपनाएंगे? हालांकि किया मोटर की सक्सेस देखने के बाद लगता नहीं है कि कोई नई कंपनी के लिए जगह नहीं है। किया मोटर्स को जिस तरीके से भारतीयों ने अपनाया है, तो इसको देखते हुए लगता है कि भारतीय लोग अगर अच्छा प्रोडक्ट हो तो भरोसा करना जानते हैं। सिट्रियन कंपनी को ग्लोबली स्टैंडर्ड कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। अभी 1 फरवरी को रिवील होगी, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो टक्कर रहेगी भारत में वो फॉक्सवैगन टाइगुआन ऑल स्पेक्स, स्कोडा की अपकमिंग SUV जो है स्कोडा कॉडियक, इसके अलावा 2021 जीप कंपस जैसी कारों से इसका कंपटीशन रहने वाला है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे इसका प्राइस 25 से 30 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि इस प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि कोई भी कंपनी भारत में अपनी कार लेकर के आती है नहीं तो पूरा वो स्टडी करके आती है भारतीय मार्केट को, और इनको पता होगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पर हिट होगी कौन सी नहीं होगी।
Citroen C5 Aircross में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा जो 177 bhp की पावर और 400 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा। यह SUV 8 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगी। चलिए बात करते हैं अगली गाड़ी की, यह है महिंद्रा की XUV500। महिंद्रा ने पिछले साल और उससे पहले भी कुछ खास बड़े अपडेट्स नहीं दिए थे अपनी किसी भी गाड़ी में, और ये बहुत देर देर में अपडेट देता है। हालांकि जो नई वाली SUV आने वाली है XUV500, इसमें काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर कम्प्लीटली चेंज मिलेगा आपको, और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि कई बार ये टीज हुई है तो इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि आपका एक्सपीरियंस एकदम से चेंज और XUV की प्रीमियमनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। नई वाली महिंद्रा XUV500 के डैशबोर्ड को ब्लैक और क्रीम कलर थीम में रखा गया है, यानी डुअल टोन डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे बड़ी लग्जरी कार्स होती हैं तो उसमें जो टच स्क्रीन सिस्टम होता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास में होता है, तो उसी तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। डी शेप स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें मिल जाएगा आपको। नई महिंद्रा XUV की जो एक्सटीरियर की पिक्चर्स थी वो लीक होकर के सामने आई थी, तो उससे ये पता चला था कि इसकी ग्रिल को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। नई DRLs मिल जाएंगी इसमें, नई LED हेडलैम्प्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और जो रियर का एरिया है यानी टेल लैम्प्स है उनको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। महिंद्रा XUV500 के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में आएगी। अभी तक जो लीक निकल करके सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि जो महिंद्रा थार में इंजन ऑप्शन यूज़ किए गए हैं वही इसमें भी दिए जा सकते हैं। 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन। महिंद्रा थार में इंजन पेट्रोल वेरिएंट में 150 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं, और डीजल इंजन की पावर 130 PS और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि XUV500 में ये दोनों इंजन की पावर 200 PS के आसपास हो सकती है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल सकता है। महिंद्रा XUV500 जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में इसका कंपैरिजन टाटा हैरियर, MG हेक्टर, ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, जीप कंपास और ह्यूंडई टूसॉन से होता है। महिंद्रा XUV500 की प्राइस लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक हो सकती है, और इसको फरवरी के अंत तक मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो है रेनो की तरफ से आने वाली सफोमीटर SUV काइगर। इसका जो कॉन्सेप्ट वेरिएंट है उसकी वीडियो ऑफिशियल साइट पर कई बार शेयर की जा चुकी है, इसके फीचर्स को बताया जा चुका है। इसको जो रिवील किया जाएगा वो 28 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन लॉन्च फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। रेनो काइगर को रेनो ट्राइबर और निसान मैग्नाइट की तरह ही CMF A+ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। आपको ये कॉन्सेप्ट मॉडल में पता नहीं कैसा लग रहा हो, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है उसको काफ़ी अग्रेसिव रखा गया है, और ये फर्स्ट लुक में आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस SUV में बॉडी, व्हील और रूफ कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि एक्सटीरियर में देखने पर ये एक हेड टर्नर साबित हो। अब तो प्रोडक्शन मॉडल देखने के बाद ही पता चलेगा ये हेड टर्नर साबित होती है या नहीं। रेनो का प्रोडक्शन मॉडल देखने के बाद ही पता चलेगा ये गाड़ी कैसी लगती है फाइनली। लेकिन इसकी प्राइजेस की बात करें तो तकरीबन 5,50,000 रुपये से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू हो सकती है। और दसवीं और आखिरी गाड़ी है मोस्ट अवेटेड टाटा HBX, या आप कह लो इसको टाटा हॉर्नबिल। ऑटो एक्सपो 2020 में पहली बार जब इसको शोकेस किया गया था तभी से ये सवाल आने शुरू हो गए, इसको लॉन्च कब किया जाएगा, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं, क्या प्राइस रहने वाली है, और टाटा कब इसको लॉन्च करेगा, और क्या इसका रियल लुक होगा। तो ये बातें निकल करके सामने आई कि जो आप इसका कॉन्सेप्ट वर्जन देख रहे हैं 90% ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, या आप ये कह लो कि जो टाटा हैरियर है उसको छोटा कर दिया जाए तो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी। तो ये एक सफोमीटर SUV होने वाली है टाटा की तरफ से। टाटा HBX को भी साल 2020 में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक के चलते इसका जो लॉन्च था उसको टालना पड़ा। पहले इसको जनवरी 2021 में लॉन्च करने को कहा जा रहा था, लेकिन अब ये मार्च में इसको लॉन्च किया जाएगा भारत में। इसका जो रिवील है हो सकता है वो फरवरी लास्ट तक कर दिया जाए। टाटा HBX का लुक अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग ऐसी ही रहने वाली है। और इसमें जो इंजन आपको मिलेंगे जो अल्ट्रॉज में मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला रेपेट्रॉन पेट्रोल इंजन वही मिलेगा, जो तकरीबन 86 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपैरिजन की बात करें जिससे आपको एक आइडिया हो जाए इसके साइज के बारे में, तो मार्केट में बिक रही महिंद्रा KUV100 NXT, सुजुकी इग्निस से इसका मुकाबला होगा, इसके राइवल्स है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इस कार को लगभग 5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक लॉन्च करेगा। दोस्तों ये थी वो कारें जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाली हैं।